ये साल किसी का बेकार गया हो या ना गया हो, चाइनीज ऐप्स का ये साल बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है। अभी अभी एक स्टेटमेंट आया जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के 43 ऐप्स फिर से बैन कर दिए। भैया तुम लोग ऐसे ऐप्स बनाते ही क्यों कि हम लोग को बैन करना पड़े हैं? मैं समझ सकता हूँ इस समय जितने भी चाइनीज ऐप्स हैं उनके मन में क्या चल रहा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन 69A के तहत इन सारे ऐप्स को बैन करा है। इंडिया में ऐसा लग रहा है जैसे ऐप्स को बैन करने की प्रथा सी चल रही है। हर 2-3 महीने में एक लिस्ट झम से आ जाती है और पता चलता है फिर से कोई ना कोई ऐप्स बैन कर दिए गए। ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था 29 जून यानी 29 जून से, जब टिकटॉक समेत 58 ऐप्स बैन करे गए थे। ध्यान से देखिए, 200 रुपए वाले लिंग परिवर्तन संस्थान ऐप को, जो कि बहुत ही भद्दर तरीके से इंडिया में बैन हो चुका है। लेकिन अब 43 ऐप्स फिर से बैन कर दिए गए। इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी एक लिस्ट निकाली है जिसमें उन्होंने सारे ऐप्स के नाम दिए हैं कि कौन कौन से ऐप्स बैन हुए। और जब मैंने ये लिस्ट पढ़ी भाई, कोई मतलब के नहीं थे ऐप्स, कोई भी मतलब के नहीं थे। पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई ऐसे ऐप्स भी हैं इंडिया में। ज़्यादातर अली बाबा 40 चोर यानी जो अली बाबा कंपनी है उसके ज़्यादातर ऐप्स बैन कर दिए गए इंडिया में। कुछ पॉपुलर गेम्स भी हैं उनके ऐप्स भी बैन करे गए हैं। प्यार मोहब्बत वाले, तारीखों वाले यानी डेटिंग वाले ऐप्स जो हैं वो भी बैन कर दिए गए। मुझे तो पता भी नहीं था कि डेटिंग ऐप्स भी होते। बताओ, डेटिंग ऐप्स भी बैन हो गए। कोई बुराई तो नहीं है डेटिंग ऐप्स को बैन करने के लिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी के हो सही रहता है। भाई चाइना तुम इतनी दिक्कत ना लो, हमारे पास shaadi.com है, हम तुम्हारे डेटिंग ऐप्स चला के हमारा कुछ नहीं होने वाला। शादी सबको वहीं करनी है shaadi.com पे जाके। तो चलो मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ ऐप्स के बारे में बता दूं जो कि बैन हुए। सबसे पहले अलीबाबा के बहुत सारे ऐप्स बैन हुए, जैसे कि मैंने कहा अली सप्लायर्स, अली वर्क बेंच, अली एक्सप्रेस, अली कैशियर्स और भी बहुत सारे हैं। इन ऐप्स के बाद कैम कार्ड, बिजनेस कार्ड रीडर ऐप है ये। एक ऐप बैन होने की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है जिसका नाम है स्नैक वीडियो। टिकटॉक का ही भाई है ये ऐप, इसमें भी फालतू की चीज़ें। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था इसके ऐड देख देख के। मैं कोई भी ऐप खोलता था, यूट्यूब की वीडियो ही मैं कोई भी खोलता था तो सबसे पहले इसका ऐड आता था। तो एक लड़की है वो ऐसे ऐसे करके ठुमका लगाती रहती, मतलब कंट्रोल कंट्रोल। कुछ और ऐप्स भी हैं जो कि बैन हुए हैं। कुछ डेटिंग ऐप्स के बारे में आपको बता दूं मैं, सोल है, वी डेट है, एशियन डेट, फ्लर्ट, विश, गाइज ओनली डेटिंग। भाई ये गाइज ओनली डेटिंग ऐप कैसा है? गाइज ओनली डेटिंग, गे चैट, गे रियली। और एक ये ऐप है रेला। भाई इसमें ये कैसा सोशल नेटवर्किंग साइट है भाई, ये कैसा है यार? चलो हटाओ इन सब चीजों को साइड में, मूड खराब कर दिया तुम्हारी। shaadi.com जिंदाबाद। इन सब के बाद कुछ टीवी ऐप्स भी हैं जो कि बैन करे गए हैं। मैंगो टीवी, वी टीवी, वी टीवी लाइट, कुछ पॉपुलर गेम ऐप्स भी हैं जो कि बैन करे गए हैं। आइसोलैंड 2, जेली पॉप मैच और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बैन करे गए हैं। भाई ये ऐप्स कोई भी मतलब के नहीं थे। अच्छा हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस सारे ऐप्स को बैन कर दिया। प्ले स्टोर भी थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस कर रहा होगा, कहाँ इन गवारों को लेकर टहल रहा था वो अपने सर्वर्स पर है। तो अब बात ये आती है कि पहले ये ऐप्स बैन नहीं करे जाते थे, अब अचानक से कैसे ऐप्स बैन करने लगी इंडियन गवर्नमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाहरी कंट्री जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन सब में भी बहुत सी चीज़ें बैन हो चुकी है। जैसे अमेरिका में जो हवाई कंपनी है जो फ़ोन बनाती है वो बैन है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में बैन है। वो लोग इस चीज़ को झेल चुके हैं, इसलिए उन लोग ने पहले ही अपने आप को सतर्क कर लिया। और अब इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को लेके इंडियन गवर्नमेंट अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हुई है। इसी के चलते उन्होंने सारे ऐप्स बैन करे, जितने भी पहले हुए, जितने भी अभी हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी ऐप्स हैं ये इंडियन गवर्नमेंट की यूनिटी, इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता और पब्लिक ऑर्डर और इंडियन सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी के खिलाफ जाके उनका जो नुकसान कर रहे थे उसकी एक्टिविटी में सारे ऐप्स इन्वॉल्व थे। और मैं सच बताऊँ तो यार इन ऐप्स की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम में से शायद ही कुछ लोग होंगे जो कि इन ऐप्स को यूज़ करते होंगे। मैंने तो पहली बार ही ये सारे नाम सुने थे इनमें से ज़्यादातर। और भाई इसमें इतने सारे डेटिंग ऐप्स बैन हुए हैं, चाइना इतने सारे डेटिंग ऐप्स बनाती है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
जहां पबजी के वापस आने की सब लोग दुआएं मांग रहे हैं, हर मंदिर हर मस्जिद हर गुरुद्वारे में जाके सब लोग मत्था टेक रहे हैं कि भाई पबजी वापस आ जाए, और दूसरी जगह इंडियन गवर्नमेंट घंटा बजा के ऐप्स बैन करी जा रही है। हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया में हर साल कितने ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स आते हैं, उनमें से कितने सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो इंटरनेट को पहली बार चलाते हैं, और उनके साथ जैसे उनका डाटा लीक हो रहा है और ये सब हो रहा है, उनके साथ साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके साथ। और जब मैं इस बारे में सुनता हूँ तो मुझे खुद में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। जितने भी ऐप्स बैन हुए हैं उन सब के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, आप जाके चेक कर लो। तो नीचे इस कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि ये जो अभी 43 ऐप्स बैन करे गए हैं, ये आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन आप बताइए कि ये ऐप्स जो बैन करे गए हैं ये एक सही स्टेप है या एक ख़राब स्टेप है। अगर आपको ऐसे ही कॉन्टेंट और भी चाहिए तो भाई बस सारी बातें भूल जाओ, सब्सक्राइब बटन पकड़ो और झूल जाओ। मैंने सोचा इस बार थोड़ा अलग डायलॉग मारा जाए, पुराना वाला भी मार देता हूँ, सब्सक्राइब वाला जो नीचे बटन उसमें घुसड़ घूसा मार दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताओ अपना ओपिनियन दो कि ये ऐप्स जो बैन हुए हैं ये सही स्टेप है कि बेकार स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और बस अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो, और नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, माता का